पर्सनालिटी तो एक पहलवानों जैसी लगती है, तो म्यूजिक में कैसे आपका इंटरेस्ट हुआ और कैसे शुरुआत हुई आपकी? म्यूजिक इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, सो आई एम जस्ट हियर टू यूटिलाइज द म्यूजिक एंड देन जस्ट टू शो द वर्ल्ड एंड टू एक्सप्रेस माय लव थ्रू द म्यूजिक एंड इट्स आई शुड से इट्स अ बोर्न टैलेंट. इंटरेस्ट कैसे हुआ आपको, आप लोग क्या क्या आपकी जर्नी क्या रही? आई स्टार्टेड सिंगिंग एट द एज ऑफ 9, 9 साल से गाना शुरू किया, तभी से अभी तक ऐसे ही चला है. एंड देन सिंगिंग वॉज लाइक समथिंग डिफरेंट फॉर मी, लाइक इट गिव्स मी पावर, इट गिव्स मी स्माइल, इट गिव्स मी हैप्पीनेस एंड देन इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. आपके अचीवमेंट्स क्या क्या थे जब आपने शुरुआत की, आपने आज इतने कितने साल की जर्नी हो गई आपकी? एक्चुअली इट्स बीन 21 इयर्स आई हैव बीन सिंगिंग एंड आई फेल्ड मेनी टाइम्स, बट डिस्पाइट आई वॉन कपल ऑफ टाइम्स एन अ नोटिस शो एंड देन आई रिसीव्ड वन नेशनल अवार्ड एंड अगेन वन ऑफ माई सॉन्ग द कॉल हाउस द जोश 4G है. It's been playing on the first retired Major K. Kotse serial. It's telecasting on DD National TV as a background music. And then here today for to. क्या आप दो लाइन सुना सकते हैं अपनी उस गाने का, How's the Josh? फौज है भारत माता की फौज है, अपने देश का फौज है, किसी से भी वो कम नहीं, देश की शान है, सरहद पर रह कर अपने वतन की रक्षा करते फौज. आते हैं लेटेस्ट कैसे जीऊं पर. कैसे जीऊं का सॉन्ग एक रोमांटिक और गाना है, इसे आप जरा दो लाइन सुना के बताइए तो फिर और को सवाल किया जाए आपसे. कैसे जियूं तेरे बिना कैसे जियूं, कैसे जियूं तेरे बिना कैसे जियूं. जी नमस्ते, मेरा नाम अलीना तुतेजा है, मैं बॉलीवुड एंड टीवी एक्ट्रेस हूँ, मॉडलिंग भी करती हूँ, टीवी होस्ट भी हूँ. Alina, how was the experience being part of the album, and what about N.K. Naga, who has been singing a song and being a co-star of your album? It was a really a very nice, lovely experience. बहुत ही अच्छे people हैं, मज़ा आ गया. शूट पे मतलब काम नहीं लग रहा था. We were just enjoying doing this music album, and N.K. is a very talented person. Talented भी है, humble भी है, very decent person है, तो I wish him all the very best. और गाना भी बहुत अच्छा है, beautiful song है जो हमने बहुत प्यार से बनाया. I hope आपको अच्छा लगेगा. What about the producer of the album, Rebecca ma'am, and about director Shreyas sir, how was that kind of thing part of? Rebecca ma'am भी बहुत अच्छी है. Actually मेरा frankly speaking first experience है कि Nagaland people से काम करने का. And I really enjoy it. I think they are amazing people. Shreyas sir भी बहुत talented है. और सबसे ज़्यादा जो मुझे बात अच्छी लगी कि बहुत मतलब फटाफट हो गया सब. It was so मेरे life में शायद पहली बार ऐसे experience है कि shoot करने के बाद दो दिन बाद हमारा गाना ready हो गया. So that was wow. संगीतकार अबू जी के बारे में क्या कहेंगे? Beautiful music. आपने तो सुना ही है, तो आई थिंक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया. थैंक्स. एंड वन मोर थिंग, आई मीन म्यूजिक एल्बम बहुत क्रेज कर रहा है अभी, नूरा को देखिए इतना ज़्यादा उन्होंने यू नो फेम एक्वायर किया है, तो कितना क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा एक कैरियर ऑप्शन हो गया है आर्टिस्ट के लिए म्यूजिक एल्बम्स?
I think nowadays it's like the easiest way to get popular fast, really fast. मतलब अगर आपने आपको लॉन्च करना है तो अच्छे लेवल का म्यूजिक वीडियो पकड़ के बहुत अपना करियर पता बूस्ट कर सकते हो. बट अदरवाइज मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक्ट्रेस हूँ एंड माय एम इज़ मूवीज़. मैं मूवीज़ में काम करती हूँ तो मेरे लिए ये भी अच्छा ऑप्शन है. बट एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए मेरा जो काम है मूवीज सीरियल्स वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बट अदरवाइज या आई लाइक नोरा, शी इज़ अ वंडरफुल डांसर एंड उसका जो लास्ट सॉन्ग है आई रियली लव इट. अबू जी अपने फुल पूरे परिचय के साथ. जी मैं हूँ अबूजा रिजवी, बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर. और मैं बताना चाहूँगा कि शेराज जी के साथ और रिबेका मैम के साथ कई प्रोजेक्ट्स से पहले कर चुका मैं, फिल्म भी कर चुका कई. और अब की जो है रिबेका मैम ने पहले फ़ोन किया और कहने लगी देखो अब की सरप्राइज से मैं देना चाह रही हूँ, मैं तुमको आती हूँ तो बात करूँगी. फिर आई तो उन्होंने बताया इस तरह से एक एल्बम करना है और ये नागालैंड का एक सिंगर है जो इस वक्त इसको सुन लो और काफ़ी नाम हो रहा है इसका, तो सुना तो बहुत अच्छा लगा मुझे. फिर इसके साथ ये गाना हम लोगों ने प्लान किया और इसको अच्छे से रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद पता चला कि नहीं ही इज़ रियली वेरी टैलेंटेड सिंगर. और बल्कि मैं ये बोलूँगा कि बॉलीवुड में पहली बार एंट्री है इनकी और बहुत अच्छी तरह से एंट्री मैडम ने किया है. और आने वाले दिनों में मैं कहना चाहूँगा कि शायद नॉर्थ ईस्ट से एक नए सूर्य का उदय हो रहा है सिंगिंग. तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक देना कितना ज़्यादा आपको लगता है चुनौतीपूर्ण जाता है अगर कहें क्योंकि अलग प्लेटफॉर्म होता है बॉलीवुड म्यूजिक के कंपेरिज में इस बारे में? नहीं म्यूजिक तो देखिए क्या है, म्यूजिक तो मैं पिछले दो दशक से दे रहा हूँ और इसके अलावा जो है वो देख बाय देख और आपका गुंजा और कई फिल्में कर चुका हूँ मैं, एनएफबीसी हॉलीवुड मूवीज कई कर चुका हूँ तो इंडिपेंडेंट ही दे रहा हूँ. तो मज़ा आता है, बहुत बढ़िया लगता है. और जब आप काम करने के बाद जब आपको समझ में आता है कि हाँ भाई ये रिजल्ट आया और लोग आप लोग पसंद करते हैं तो फिर मज़ा जो आता है वो एक अलग बात. Rebecca Jangeja Sema, I'm sure you all will know by now that I'm from Nagaland. Our brother NK Naga is also from Nagaland. Actually, बहुत ही रेयर है जो हम लोग का जगह से यू नो कोई खुद गाना भी लिखते हैं. ऑन टॉप ऑफ दैट ही कैन सिंग यू नो 25 to 26 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सो दैट्स एक्चुअली वेरी रेयर. जब उनका बारे में सुना मुझे बहुत ही अच्छा लगा. टैलेंट को आगे नहीं लाने से वही पे पीछे यू नो पीछे रह जाएगा, सो दैट वॉज यू नो कंसर्न. तो वट एवर लिटल वी नो आई थिंक मुझे लगा कि इसको यहाँ पे बुला के इसका टैलेंट को दिखाना चाहिए सो दैट आगे जाके यू नो हम लोग सबको अच्छा और कंट्रीब्यूट करें नाइस सॉन्ग एंड सबके अपने अपने कैरियर है. तो बहुत सारी उम्मीद ही है बिकॉज बैक होम ऑल्सो बहुत लोग ने अप्रिशिएट किया और इनका रिसेंटली जो अभी गाना यू नो एक वीडियो सॉन्ग जो वायरल हुआ है उसके बाद तो और बहुत एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है. तो काम करके ऐसा लगा कि यार इसमें बहुत सारा यू नो पोटेंशियल है और बहुत कुछ करेगा ये भाई. एंड व्हाट अबाउट अलीना बीइंग द कास्ट ऑफ द एल्बम एंड अबाउट सिराज सर हू डायरेक्टेड द एल्बम? See, Alina, she's a surprise package, obviously, because it was very, you know, we've been working with many models and actress, you know, since over a decade now. But then to connect with, you know, good artists is very, very important, and she's one of the person. So, मुझे उसके साथ काम करके बहुत 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 अच्छी experience थी. शिराज सर की बात तो उसकी तो क्या बोलना, because we all are growing together. They want a, you know, camera पकड़, you know. पकड़ के चलना, उसकी उंगली पकड़ के चलना तो एक ही साथ शुरू हुई थी. आप लोग को भी पता है वो चीज़, अरुण जी को भी पता है. सो दिस वाज एक्चुअली वन थिंग गुड अबाउट शिराज, ही लव आवर पीपल, ही लव नॉर्थ ईस्ट स्पेशली नागालैंड. ही हैज़ बीन टू नागालैंड मेनी अ टाइम. तो एनी टाइम कभी भी मैं उनको नागालैंड के बारे में बताऊँ या उनके यू नो वहाँ का जो यंगस्टर्स टैलेंट के बारे में बताऊँ, ही इज़ मोर देन वेलकम टू यू नो कम फॉरवर्ड. कोई नहीं करता इतना यू नो आउट ऑफ वे जाके अपना कम्फर्ट जोन सेक्रीफाइस करके इतना प्यार देना, ये कोई और नहीं शिरा सेन भी ही कर सकता है. सो वर्किंग फ्रंट में तो मेरे हिसाब से आप लोगों को भी एग्री होना पड़ेगा, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा प्रोफेशनल बंदा कोई नहीं हो सकता.
रेविका जी, दो सवाल आपसे। पहली बात तो आप अब इस एल्बम के जरिए जो नए दर्शक आपके साथ जुड़ेंगे उनको कुछ अपने पिछले सफर के बारे में बताइए, क्या क्या फिल्में बनाई हैं आपने? जी, हम लोग ने 2011 से शुरू किए थे प्रोडक्शन में, तो हम लोग ने अभी तक पांच यू नो 5 to 6 कमर्शियल फिल्म्स बनाई है, लाइक टीएमओ से लेके अभी तक रिसेंटली हम लोग का रिलीज हुई है लिटिल बॉय। तो ज़्यादातर मैं टारगेट करती हूँ कि क्योंकि यू नो नॉर्थ ईस्ट ऐसा एक जगह है इंडिया में, ज़्यादातर बहुत लोगों को पता नहीं है। सो मैं टारगेट करती हूँ कि ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट वहाँ से ला के हम लोग एसोसिएट करें, वहाँ जाके शूट करें, क्योंकि आई एम श्योर आप लोग को भी पता होगा कि वहाँ का यू नो लोकेशन कितनी सुंदर है। सो जितना भी मूवीज़ बनाई उसमें से 60% शूट तो नॉर्थ ईस्ट में ही हुआ है। सो आर्टिस्ट से लेके लोकेशन से लेके तो ये जर्नी एक्चुअली हैज़ अ फैशन डिज़ाइनर शिराज जी के साथ में ही स्टार्ट किया था। तब शिराज जी ही वॉज अ फोटोग्राफर दैट टाइम, यू नो छोटे से एक बैग लेके कैमरा लेके उनके पीछे पीछे घूमती थी मैं। सो जब लिटिल बॉय से लेके टीएमओ से लेके लिटिल बॉय तक हम लोग अभी 2 to 3 पिक्चर्स रिलीज हो चुकी है और बाकी का 3 अनदर मूवी अभी OTT प्लेटफॉर्म में आने वाला है बहुत ही जल्द। सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वंस अगेन। मुंबई महाराष्ट्र ने बहुत कुछ दिया है जो भी है ना लाइफ में, नेम फेम यू नो व्हाटएवर लिटिल आई हैव आई गॉट इट फ्रॉम महाराष्ट्र। एक आखिरी चुपता हुआ सवाल है, आज से 2 दशक पहले नागालैंड या सिक्किम या वहाँ से कोई आता था और खास करके लड़कियाँ, तो उन्हें लोग कहते थे कि ये बाहर के लोग आए हैं, अजनबी है यहाँ पर, अब धीरे धीरे पहचान में, कैसा लग रहा है फील आपको? नहीं, ऐसा तो फीलिंग तो पहले जैसा था अभी भी ऐसा ही है। मुझे लगता है कि अभी बहुत लोगों का सोच में थोड़ा सा फ़र्क आया है, क्योंकि थोड़ा सा यू नो माइंड ओपन माइंडेड होने लग गया है लोगों को अभी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इग्नोरेंस। उन लोग ज़्यादातर 90% लोग तो मेरे हिसाब से उन लोग का भी महाराष्ट्र के बाहर ही नहीं किया। यू आस्क देम अबाउट आउटसाइड दे विल नो, बट नॉर्थ ईस्ट तरफ नहीं किया है। तो अभी मुझे लगता है कि उन लोग को थोड़ा बहुत, हम लोग के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर देम देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू फील फनी, पर अभी मैं एजुकेट करती हूँ उन लोगों को कि एक इंडिया मैप बना के मैं उन लोगों को समझाता हूँ, ये यहाँ पे जो समोसा टाइप का है ना यही नॉर्थ ईस्ट है। तो जैसा आप लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग को जो चाय के साथ समोसा मिलेगा आप लोग सोच लीजिएगा कि वो नॉर्थ ईस्ट है। 25 लैंग्वेज में गाता है, भोजपुरी में गाता है, तो ही वॉज लाइक एंटरटेनिंग मी फॉर लास्ट 6-7 डेज। फिर हमने क्या किया, हमने 5 गाने इनके रिकॉर्ड किए, उसमें से ये गाना जो है कैसे जीऊँ, ये एक गाना हमने पिक्चराइज किया है, क्योंकि जो बाकी 4 गाने शायद वो मूवी में यूज़ होंगे या कोई पर्टिकुलर चैनल के लिए यूज़ होंगे। एलिना के मैं जानना चाहूँगा कि उनको भी बहुत ग्लैमरस तरीके से लेकिन बहुत सिंपल वे में दिखाया आपने, उसके बारे में बताइए कैसा क्या जी? एक्चुअली क्या है ना, देखिए ये इनके नागा का एक डिफरेंट लुक है, एक मंगोलियन लुक है, नॉर्थ ईस्ट का लुक है, तो उसके साथ हम लोग सोचे कि अगर हम इंडियन लड़की लेंगे या वो तो उसे मैच नहीं करेगा, तो हमने प्रीफर किया एक फॉरेनर को, और वो भी एक सरप्राइज था बिकॉज उनकी हिंदी अच्छी, इतनी अच्छी है कि जब उनसे फ़ोन में बात करे तो वो हिंदी में बात कर रही थी, तो ये पूरा देखा जाए तो टोटल हर चीज़ में सरप्राइज भरा हुआ था। सर ये लेकिन पहले भी रविका जी ने जो प्रोजेक्ट बनाया है आपका, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत क्लासी सोचते हैं, क्रिएटिव विजन के बारे में बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा क्रिएटिव विजन मानते हैं? ये देखिए, मैंने जब पहली मूवी स्टार्ट की थी बियॉन्ड द थर्ड काइंड, वो एक ट्रांसजेंडर के ऊपर थी, तो वो सबसे फर्स्ट मूवी 2012 में हमने स्टार्ट की थी और उसको थाईलैंड पटाया में शूट किया था, जहाँ पे एक लड़का जो है वो ऑपरेशन करके लड़की बनता है। इट वाज अ वेरी डिफरेंट रियलिस्टिक सब्जेक्ट। और आप मेरी जितनी मूवीज़ मैंने जो डायरेक्ट किया, मोस्टली मोस्ट ऑफ द मूवीज़ आर रियल, लाइक ट्रू इंसिडेंट्स के ऊपर है। उसके बाद हमने की थी द डार्क सीक्रेट्स ऑफ टोनी, जो काला जादू टोना करते हैं छत्तीसगढ़ में, और औरतों को हर साल 50 से 60 औरतों को मार दिया जाता है ब्रूटली कि ये डायन है, ये विचक्राफ्ट करती है। वो भी बहुत बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट था, अभी तो यूट्यूब और ये MX प्लेयर वगैरह वायरल हो गया है, द डार्क सीक्रेट्स ऑफ टोनी। उसके बाद लिटिल बॉय मेरी रिलीज हुई लास्ट ईयर, वो भी रियल सब्जेक्ट के ऊपर, वहाँ पे एक छोटा बच्चा जो 7 साल का था जब उसका बाप मर जाता है, तो वहाँ से उसका स्ट्रगल और आज वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होगा। तो मोस्टली मोस्ट ऑफ द फिल्म जो हम लोग कर रहे हैं वो रियलिस्टिक है और उसके पीछे कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज जाता है। लास्टली ये जाना चाहूँगी नॉर्थ ईस्ट से मतलब ताल्लुका था, तो कि नॉर्थ ईस्ट के जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, उनका क्या मतलब बॉलीवुड को लेकर या हिंदी फिल्म को लेकर क्या उनका रवैया? नहीं देखिए, नॉर्थ ईस्ट मैंने मेघालय में शूट किया, TMO अभी आने वाली रिलीज होने वाली है, मेघालय में शूट किया था, शिलोंग चेरापुंजी में, लिटिल बॉय मैंने अरुणाचल में शूट किया था,
और नागालैंड में मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है मैकेनिक दादा, तो वहाँ के जो जितने इंटरेक्शन मेरा 10 साल 12 साल से। और एक और बात बोलना चाहूँगा कि जो हमारा फाइन स्टूडियो बैनर है जो रेबेका मैम का, इस मंथ 10 साल पूरे कर रहे हैं। और हमने एक छोटे से स्टूडियो मोतीलाल नगर में एक स्टूडियो से स्टार्ट किया था और आज हम करीब 7 से 8 मूवीज हम बना चुके हैं। तो वहाँ के लोगों को जो मैंने वहाँ पे जब इंटरेक्ट किया तो उन लोग फैन है बॉलीवुड के। हर आदमी हिंदी गाना जानता है, मतलब एटलीस्ट गा नहीं पाता तो वो जानता है पूरा गाने। आप ऐसे ऐसे गाने जो हमको नहीं मालूम है उनको मालूम है।